दलित समाज के नाबालिग लड़की और एक महिला के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। इस मामले में नाबालिग लड़की के बाद अब महिला ने भी थाना आजाद नगर में शिकायत दर्ज करवाई है। इन दोनों ही मामलों में एक व्यक्ति पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मंगलवार को अखिल भारतीय भलाई समाज के पदाधिकारी दुष्कर्म की दोनों पीड़िताओं के साथ आजाद नगर थाने पहुंचे और राजेश मेहरा नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में नाबालिग लड़की की शिकायत पर पूर्व में आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, जबकि दूसरी पीड़ित महिला का आवेदन जांच के लिए लिया गया है। इस मामले में पुलिस अब जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जो क्षेत्र है यहाँ पर रहने वाली हमारी समाज की दो दो पीड़िता, एक बालिक नाबालिग बालिका है और एक महिला है, दोनों के साथ में राजेश मेहरा नामक व्यक्ति ने बलात्कार किया। उसकी कंप्लेन को नज़रअंदाज किया गया है यहाँ पर थाने पर, इसलिए आज अखिल भारतीय भलाई महासंघ के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। 1376 की कंप्लेन नाबालिग के द्वारा कल दर्ज करा दी गई थी, किंतु उसके पिता को कल रात को धमकी दी गई राजीनामे के लिए, इसलिए हम आज फिर यहाँ पर आए। और उस केस को देखते हुए एक नई पीड़िता ने आज हमसे गुहार लगाई थी कि साहब हमारे साथ भी 26 तारीख को राजेश मेहरा ने बलात्कार किया, तो हम उसके खिलाफ आज यहाँ पर आए हैं और उस पीड़िता के पक्ष में हमने जो है रिपोर्ट दर्ज कर रही है। और ये रिपोर्ट की जो है काफ़ी है, इस रिपोर्ट को हमने जो है आवेदन को ये अभी पीड़िता के पक्ष से हमने आज़ाद नगर थाने को दिया है और पुलिस ने हमें आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के भीतर राजेश मेहरा को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि उनने ये दो महिलाओं के साथ ही नहीं, ऐसा मेरा अंदेशा है कि अन्य भी कई महिलाओं के साथ उसने ऐसा शोषण किया होगा, अत्याचार किया होगा, बलात्कार किया होगा। तो ये चीज़ है कि हमने ये आवेदन दे दिया है और पुलिस ने हमको आश्वस्त किया 24 घंटे के भीतर जो है आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। आपका नाम? मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।